लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में तीन रुकनी फुल बेंच ने पाकिस्तान लॉयर्स फाउंडेशन के एके डोगर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तों में नैब ऑर्डिनेंस 1999 की कानूनी हैसियत पर मुख्तलिफ एतराजात उठाए गए। दरख्वास्त गुजार वकील ने दावा किया कि आईन में 18वीं तरमीम के बाद नैब का कानून खत्म हो चुका है, जिस कानून का वजूद ही नहीं है उसके तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई और सजा कैसे हो सकती है, लिहाजा नवाज शरीफ उनकी बेटी और दामाद को उस कानून के तहत मिलने वाली सजा पर अमल दरामद रोका जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने नैब अथॉरिटीज को लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर वो अपना कोई रिप्लाई सबमिट करना चाहते हैं ऑनरेबल कोर्ट में तो वो रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। After that, no other opportunity will be provided to the NAB authorities. समाअत के दौरान नैब का कोई वकील पेश न हुआ। फुल बेंच ने जेरे समाअत दरख्वास्तों में फरीक बनने की मुतफिका दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 29 अगस्त से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म देते हुए नैब प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकर, लाहौर न्यूज़।